अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। ये अभी सुबह सुबह का टाइम है जी, थोड़ा सा इनको खाने पीने के लिए दे दें। कुसैन अली खोलो ना यार, पूरा खोलो उसको, पूरा खोलो। रात को भी बारिश बहुत हुई है जी। अब कल छुट्टियाँ आ गई हैं, नौवीं और दसवीं मुहर्रम की, तो इंशाल्लाह प्रोग्राम है कि छुट्टियों के बाद जो संडे है, मतलब इन दो छुट्टियों के बाद संडे की, वो भी छुट्टी है, तीसरी छुट्टी है, लेकिन संडे को इंशाल्लाह प्रोग्राम है कि अपना सामान ले आएँ और अपना केज वगैरह बनाना शुरू कर दें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी सुबह का टाइम, इनका थोड़ा सा नाश्ता है जी, अभी इनको देते हैं। इनको तो बंद करके रखा हुआ था, देखते हैं अगर किसी ने अंडे दिए हुए तो चेक करते हैं। कुसैन अली देखो किसी ने अंडा दिया है, इधर ऊपर देती हैं, तोड़े पे भी देती हैं, उधर साथ भी देती हैं। चले जाओ ना, अंदर जाओ, अंदर जाके देखो, इधर साथ देखो ना, साथ करके, इधर इधर साथ करके देखो। वो एक और किधर गई है, हैं? एक और मुर्गी किधर गई है, अंदर है। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए इनको बाहर खोले, कबूतर अभी नहीं खोलेंगे क्योंकि अभी थोड़ी देर के लिए कहीं जाना है, तो कबूतर इंशाल्लाह शाम को खोलेंगे। मौसम जी अभी भी माशाल्लाह ये बादल बने हुए हैं, ये रात को तो बहुत बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा, तो अभी भी बादल बने हुए हैं, लेकिन माशाल्लाह मौसम बहुत अच्छा जा रहा है। ये मेरे ख्याल से इन्होंने फिर मीटिंग करना शुरू कर दी है। जो इनके एग पड़े हुए हैं वो मुझे लगता है कि वो गंदे हो चुके हैं, मतलब ये अब अंडों से उठ गए हैं, तो लग कुछ ऐसा ही रहा। चलें देखते हैं, अभी एग निकाल के चेक करते हैं। हाँ जी, क्या किया अंडों के साथ, गंदे कर दें। ये जी इनके तो अंडे तकरीबन जब भी इन्होंने दिए हैं ऐसे ही हुआ। आपको सहना नहीं, पीछे रहो पीछे रहो, ये पड़े हुए हैं, अभी निकालते हैं, देखते हैं जी क्या सूरत हाल है इनकी। बाहर निकाल के देखते हैं, निकाल लिए बाहर अंडे इनके, मुझे लगता है इन्होंने गंदे कर दिए। वहाँ साइड पे जाके तोड़ के देखते हैं कि मसला क्या है इनको, ये क्यों उन्होंने गंदे किए हैं, गंदे हो गए हैं या जो है वो गंदे हो गए हैं। देखें ना, ठहर ये भी होगा, एक गंदा हो गया और एक में इन्होंने बुत नहीं डाला है, ये मसला हो गया जी। ये भी गंदा था, इसमें बच्चा नहीं बना है लगता है, या तो मादी तो तकरीबन ठीक है, मेरी यंग मादी है, ये मार्केट से ये नर लेके आया था मैं, तो लगता है वो बुत नहीं डालता है, या कोई मसला है या कोई प्रॉब्लम है। चलें इस दफ़ा अंडे देते हैं, तो किसी और पैर के नीचे रख के अंडे, फिर देखेंगे कि इनको मसला क्या है, अगर फिर भी गंदे हो गए तो फिर नर चेंज करना पड़ेगा फीमेल के साथ। ये सारे इकट्ठे हो गए, इधर क्या खा रहे हैं, इधर लाओ वो कुसैन अली, इनकी ट्रे उतारो ऊपर से इनकी, अभी उतार दो। अच्छा चलो चलो भर के लाओ ना, आ जाओ जी आ जाओ जी। कप किधर पड़ा है, कप इधर अंदर ही है ना, किधर अंदर ही है, इनके लिए लाओ कुछ। आ जाओ जी आ जाओ जी आ जाओ जी आ जाओ जी आ जाओ जी। क्या खाओगे क्या खाओगे, इनके लिए मुझे दो मासे, इनका खाना दो। हाँ जी ठहरो ठहरो, अभी देता हूँ अभी देता हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा इनके लिए थोड़ी सी रोटी भी आज ले आओ ना, देखे ना थोड़े यार। हाँ जी इधर आ जाओ, ये इधर इधर पास बैठ के खाएंगे, आ जाओ इधर आओ इधर आओ इधर इधर आओ इधर आओ इधर ऊपर आओ ऊपर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ आओ आ जाओ आ जाओ। देखा जी माशाल्लाह हमारे रैबिट्स हमारे साथ अटैच हो गए हैं जी माशाल्लाह से। अच्छा अच्छा उसको भी दो, कुसैन अली उसको भी दो, ये लो खाओ, इधर रख के खाओ इधर रख के खाओ, ये लो ये मेरे वाला। कबूतरों को डालो नहीं यार कुछ है,
माशाल्लाह जी रैबिट्स अटैच हो गए हैं हमारे साथ और आगे पीछे जाते भी नहीं हैं, सिर्फ ये अपने घर के आसपास ही, ये अपने केज के आसपास ही घूमते रहते हैं। कुसैन अली फिलहाल एक डालना है इनको, आज थोड़ी थोड़ी रोटी भी डालेंगे, ठीक है ना? तो अभी दाना ले आओ। खाओ खाओ खाओ। बस थोड़े इतने बहुत हैं, इतने बहुत हैं, इतने बहुत हैं, नीचे गिरा दोगे। मिठू क्या खा रहे हो? मिठू मिठू चलो चलो, तुम क्यों आ रहे हो इधर? चलो जी ये भी आ गए जी, दूल्हे राजा साहब। और तीसरी किधर है? वो आ रही है मुर्गी एक जी, वो आ रही है। अच्छा जी आप इनको जब से व्लॉग कर रहे हैं तब से इनको पता लग गया जी इस टाइम हमें दाना मिलता है ऊपर। वैसे तो मैं इनको डेली डाल देता था, आते नहीं थे घर, सुबह इनको मैं डाल के चला जाता था, शाम को फिर जब कबूतरों को डालता था तो फिर दोबारा इनको डाल देता था, लेकिन अभी इनको ये पता लग गया कि ये डेली इस टाइम ऊपर वीडियो बना रहे होते हैं, तो ये अब हमारे पास पहुँच गए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या? नहीं नहीं बस बस वो आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, अभी दाना खाया इन्होंने, वो अभी वो अपने बच्चों को वो दाना देने गए हैं ना, ब्लैक टेल। ब्लैक टेल जी दोबारा फिर अंडों पे आए हुए हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है ये भी 3-4 दिनों में एग ले कर लेंगे। अच्छा जो इधर बचा है एक, वो पिजन का, ये आ गया, ये बाहर आ गया, अभी इसने वो खाना पीना शुरू कर दिया, ये बाहर आ गया। तो अभी हमारा प्रोग्राम है, इसको हम ट्रेन करेंगे हाथ पे बिठाने के लिए, तो इंशाल्लाह आज हम इसको, इसके लिए जो केज खाली हुआ है, जो लव बर्ड हमारे चले गए हैं वो खाली हो गए, ये इस पे ले कर जाएँगे और हम इसको नीचे रख लेंगे, खुद इसको हाथ से खिलाएंगे, अपने साथ अटैच करेंगे, टेम करेंगे इसको इंशाल्लाह। तो हुसैन अली पानी ले आओ ना, हुसैन हुसैन आप जाओ, हुसैन आप जाओ, पानी का बर्तन नीचे ही है, जाओ पानी ले आओ, पानी ले आओ जल्दी से। ये जी माशाल्लाह से आज से इसको हमने अलग कर लिया है, ये इसका केज है, इसको इसी केज में रखेंगे और इंशाल्लाह इसी तरह इसको हम ट्रेन करेंगे इंशाल्लाह। हेलो ये ना जी, ये अब मेरे मुंह से खाएगा। ये जी ब्लैक टेल का बेबी है, तो बहुत कमज़ोर सा है, अब पता नहीं इसको फीड अच्छे तरीके से कराते नहीं है या क्या मसला है, लेकिन माशाल्लाह जी आँख हमने ठीक कर लिए जी, ये माशाल्लाह ये देखें अभी ये इसको नज़र भी आ रहा है, तो अभी दोबारा इसको थोड़े से दो एक कतरे डाल दूँगा इंशाल्लाह, एक दिन और मज़ीद डालूँगा तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब मुझे भी लगता है कि इसको हाथों से ही खिलाना पिलाना पड़ा करेगा, मुझे खुद देना पड़ा करेगा, क्योंकि अब कमज़ोर इतना है कि मुझे नहीं लगता है कि वो इसको, एक ही बच्चा है लेकिन अब वो, ये भी सिंगल था लेकिन इसके पेरेंट्स ने माशाल्लाह इसको ठीक ठाक अच्छे तरीके से खुराक दी और माशाल्लाह ठीक ठाक ये सेहतमंद है। अब ये जो है ये बिल्कुल, ये देखें कैसे बैठा हुआ है, इतना कमज़ोर सा हुआ हुआ है, ये हाल हुआ हुआ है। खैर इसके लिए कुछ ले आऊँगा, एक ड्रॉपर बनाता हूँ जो इसको हैंड फीड करवाऊँगा, तो खुद ही अगर बच गया तो ठीक है, नहीं वरना मुझे नहीं लगता है कि ये बच पाएगा क्योंकि कमज़ोर बहुत है ये। है जी इनको भी दिया है हमने खोल, जाएं जी घूमें फिरें मज़े करें। दूसरी को निकालो बाहर, वो इधर किधर अंदर चली गई है, बाहर निकालो उसको। तो ये वाइट कोमोरियन भी अंडों पे आ गया है, तो इधर वाले तो ज़्यादातर बीच में फॉस्टर ही है जी, ये अंडे देते हैं तो उनको उठा के इनके नीचे रख देता हूँ। ये जी एक छोटा सा व्लॉग आप तमाम दोस्तों भाइयों के साथ किया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद और अच्छी अच्छी चीज़ें ले कर आएँगे आप तमाम दोस्तों भाइयों के लिए। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, मुन्ना थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।